हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विज गैलेक्सी। आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन और उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया जाएगा। पहला जो इस सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द लैग्रेंजियन। एक सिस्टम में बोला गया है कि लैग्रेंजियन वन डायमेंशन में वो है कि एयर इक्वल टू हाफ ऑफ डी एक्स अंडर डी टी का स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ ऑफ ये जो है x डॉट का स्क्वायर माइनस हो x स्क्वायर, एक गिवन है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन सुइटेबल यूनिट्स, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्शन अलोंग द क्लासिकल पाथ फ्रॉम x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, और जो है कि x इक्वल टू x नॉट एट t इक्वल टू t नॉट। तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन जो है कि एक्शन पूछा जा रहा है, और एक्शन जो होता है इज इक्वल टू एक्शन को एस से डिफाइन किया जाता है। तो एस इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है कि एल ऑफ टी ऑफ डी टी और टाइम टी वन से टी टू, ठीक है, इनिशियल टाइम टी आई से टी एफ या टी वन से टी टू। और यहाँ पे देखिए ये जो है लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन जो है कि जो फंक्शन ऑफ टी आपको डिफाइन करना है। तो इसलिए ये जो लैग्रेंजियन गिवन है इसमें पहला जो काम है ये देखिए कोऑर्डिनेट जो है एक्स एंड एक्स डॉट। तो अभी आपको क्या करना है कि इसमें पहले एल को लिखना है टाइम के फंक्शन में। तो इसलिए पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन मोशन कैलकुलेट करेंगे। जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन वो हम लोग पहले यूज करेंगे। तो इसमें देखिए क्या आएगा, तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा डी डी टी ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स डॉट माइनस जो है कि डेल एल अंडर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो x है। तो दैट मींस ये लैग्रेंज इक्वेशन यूज होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए कि डी डी टी ऑफ, तो ए जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली x डॉट, और इधर जो आ रहा है दैट इज प्लस आ जाएगा x इक्वल टू जीरो। दैट मींस इधर जो आ रहा है कि x डबल डॉट प्लस x इक्वल टू जीरो। देखिए ये जो है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है, और जो ए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्चुअली सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर हमने मोशन की तरफ ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो इसमें सॉल्यूशन इस डिफरेंस इक्वेशन को जो आएगा दैट इज एक्स इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि जो आएगा ए साइन ऑफ जो है कि टी प्लस जो है आई, ये जो डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है कि एक्स इक्वल टू ए साइन टी प्लस आई। और इधर देखिए कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो ये जो पहला कंडीशन था कि एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक जो बाउंड्री कंडीशन है एट टी इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस रिजल्ट पे एक्स का वैल्यू पुट करना है जीरो, और ये जो आ रहा है कि ए साइन ऑफ जीरो प्लस जो आ रहा है कि फाइव दैट इज एक्चुअली जो है कि ए साइन फाइव इक्वल टू जीरो आ रहा है। That means actually, phi का जो वैल्यू है तो जीरो है। तो इससे जो मिल रहा है that is actually x equal to, तो अभी जो सॉल्यूशन आ रहा था ये आएगा a sin of जो है only t, क्योंकि phi जो है जीरो आ रहा है as per the condition से। तो एक्चुअली इसका वैल्यू जो है देखिए तो अभी t के फॉर्म में आ गया, t के फंक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लैग्रेंजियन को लिखना है t के फॉर्म में, ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑनली टी पे लिखना है, क्योंकि ये जो एक्शन का जो फॉर्मूला होता है इसमें जो लैग्रेंजियन यूज होता है ये लैग्रेंजियन ऑफ टाइम होता है बस, ठीक है। तो इसलिए एक्स को आपको लिखना है टी के फॉर्म में और एक्स डॉट को भी लिखना है टी के फॉर्म में। तो ए एक्स तो आ गया, तो नेक्स्ट ये जो एक्स आ रहा था इसमें से आप देखिए कि ये जो एक्स आ रहा था, ठीक है, तो एक्स को जो क्या आ रहा है ए साइन टी, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एक्स डॉट दैट इज एक्चुअली ए कॉस ऑफ क्या है कॉस ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें देखिए एक बाउंड्री कंडीशन गिवन था जो था कि एट x इक्वल टू x डॉट t इक्वल टू जो है कि t नॉट। दैट मींस एक्चुअली अभी जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली क्या आ रहा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है x डॉट का। और इधर देखिए कि इसमें एक बाउंड्री कंडीशन जो था कि आप ऐसे करिए कि x नॉट, तो दैट मींस एक्चुअली क्या आ रहा है x इक्वल टू x नॉट, तो x नॉट आ गया और जो है कि a साइन और उसमें जो है कि t नॉट, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो था। तो a x नॉट कब आ रहा है टाइम इक्वल टू t नॉट से, ठीक है। तो देखिए तो इधर से क्या आएगा कि a इक्वल टू जो आ रहा है
दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर साइन जो है टी नॉट आ रहा है। तो इसमें देखिए कि जो इक्वेशन आ रहा था एक्स, तो इसमें एक्स जो आ रहा था, अब इसमें ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा कि ए जो आ रहा है एक्स नॉट अंडर जो है कि साइन ऑफ टी नॉट, और इधर जो है साइन ऑफ टी ए आ रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसमें देखिए कि एक्स नॉट ऐसे भी कर सकते हो, या ये जो एक्स आ रहा है टी के फॉर्म में, ए का जो वैल्यू आ रहा था इसमें आप कैलकुलेट करने से सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से जो आ रहा है एक्स नॉट अंडर साइन टी नॉट। तो इसमें देखिए कि एक्स नॉट यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जो है कि एक्स नॉट, एक्स नॉट जो है कांस्टेंट एक टर्म, और साइन ऑफ टी नॉट भी कांस्टेंट है, और साइन टी जो आ जाएगा ये है कि कॉस टी, ठीक है। तो फिर देखिए कि अब ए का वैल्यू यहां पे पुट करने से भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ए आ रहा है एक्स नॉट का वैल्यू। तो अभी देखिए कि इसमें दो जो क्वांटिटी आया है, जो एक जो है कि एक्स, ए भी टाइम का फंक्शन है, और एक्स डॉट भी जो आ रहा है, एक्स प्राइम जो आ रहा है या एक्स डॉट जो आ रहा है वो भी क्या है कि टाइम का फंक्शन है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसी टर्म में लिखना है कि हाफ ऑफ एक्स डॉट का जो वैल्यू आ रहा है टी के फॉर्म में उसको लिखना है, माइनस ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा था उसको यूज करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि लैग्रेंजियन जो है टाइम के फंक्शन में आ जाएगा, देन इसमें रखने से एक्सएन का वैल्यू जो रिजल्ट में ऑप्शन में है इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो देख लेते हैं लैग्रेंजियन क्या आ रहा है। तो लैग्रेंजियन जो आ रहा था एक्चुअली क्वेश्चन में जो गिवन था दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस जो था कि एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, और एक्स डॉट जो आ रहा था दैट इज एक्स नॉट अंडर साइन टी नॉट कॉस टी। तो इसमें जो आएगा कि एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी नॉट। तो ये देखिए ये दोनों टर्म में आ रहा है, ठीक है, एक्स में भी आ रहा है एंड एक्स डॉट में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों टर्म से एक कॉमन आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर अंडर साइन स्क्वायर ऑफ टी नॉट, और जो बचा हुआ है इसमें पहला एक्स डॉट के टर्म में जो आ रहा है कॉस स्क्वायर ऑफ टी, और इसमें जो आ रहा है एक्स का वैल्यू जो देखेंगे तो क्या आ रहा था कि साइन टी आ रहा था, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ जो है कि साइन स्क्वायर ऑफ टी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली क्या है कि कॉस ऑफ टू टी का दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी नॉट, और ये जो है कॉस ऑफ टू टी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक्चुअली लैग्रेंजियन है फंक्शन ऑफ ऑनली टी, ठीक है। तो ए आपको मिल गया है, तो ए आ जाने से अभी जो कैलकुलेट करना था कि एक्शन का वैल्यू क्या आएगा, एक्शन का जो फॉर्मूला था कि एल ऑफ टी ऑफ डी टी होता है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है कि टी का वैल्यू पहले जीरो था बाद में टी नॉट आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टी का वैल्यू जीरो से टी इक्वल टू टी नॉट की भी था। तो इसमें देखिए क्या आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इक्वल टू जीरो से लेके t नॉट, और इधर जो लैग्रेंजियन का वैल्यू था आ रहा है कि x नॉट का स्क्वायर अंडर साइन स्क्वायर ऑफ जो है कि t नॉट, और इधर जो था कौन सो 2t। और ये जो पहला जो टर्म है दैट मींस ए जो टर्म है, ये जो टर्म है सारे टर्म क्या है कि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखना है cos t का जो रिजल्ट है cos 2t का इसको करना है, और इसमें एक dt टर्म रहेगा। तो इसमें कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज इसमें भी देखिए कि x नॉट का स्क्वायर अंडर इधर आ जाएगा 4 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी नॉट, और इधर जो आएगा साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन करने से साइन ऑफ टी, एक्चुअली लिमिट पुट करने से साइन ऑफ टी नॉट आ जाएगा, और टी का वैल्यू 0 तो क्या है कि उसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए कि इधर जो बचा हुआ रिजल्ट है साइन 2 नॉट, और इधर जो है साइन स्क्वायर टी नॉट, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा दैट इज एक्चुअली एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो टर्म है एक्चुअली इस इज एक्चुअली कॉट टर्म आ जाएगा कॉट ऑफ कॉट टी नॉट, ऐसा जो वैल्यू है एक्सएन का रिजल्ट ये आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर अंडर 2 कॉट ऑफ टी नॉट। तो देखिए इधर ऑप्शन कहाँ में है एक्स नॉट का स्क्वायर अंडर 2 और कॉट टी नॉट, जो ऑप्शन एक्चुअली जो ऑप्शन इसमें है ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी में है। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
थैंक यू।